सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5। आज की इस गेम प्ले वीडियो में हम लोग आग लगाने वाले हैं पूरी 50 फॉर्चुनर गाड़ियों में। अभी लॉस सैंटोस में सुबह के 6 बज रहे हैं। आज हम लोग जाएंगे अपनी इस क्लासिक कार में, स्पोर्ट्स कार में तो हम हमेशा ही जाते हैं, और वैसे भी ये कार येलो कलर में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है। तो निकालते हैं अपनी इस कार को बाहर। ये कार चलाने में भी बहुत स्मूथ है और इसके लुक्स तो बस पूछो ही मत, बिल्कुल जहर। तो माइकल के पास ट्रेवर का फ़ोन आया था और उसने माइकल को बोला है कि माइकल तुम भी खाली पड़े हो और मेरे पास भी आज कोई काम नहीं है, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। ट्रेवर ने माइकल को बताया कि उसने आज अपने एयरफील्ड पर 50 फॉर्चुनर गाड़ी मंगाई है, जिनकी डिलीवरी रॉन ले चुका है, और आज हम उन 50 फॉर्चुनर्स को एक साथ ब्लास्ट करने वाले हैं। इस काम में काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं जल्दी से ट्रेवर को पिक करने, वो मेरा काफ़ी देर से वेट कर रहा है। वैसे ट्रेवर का ऑफिस कितनी सही जगह पर है ना, एक स्ट्रिप क्लब में। उसका काम करने में कितना मन लगता होगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पर सभी हमारी गाड़ी को बार बार मोड़ मोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी एक लिमिटेड एडिशन गाड़ी है जो कि पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही है। अरे हट जा भाई, ठुकवा देता नई गाड़ी। ड्राइवर का ऑफिस कहाँ पर था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। चलो GPS में देखते हुए चल लेते हैं। ये आ गया ट्रेवर का ऑफिस। लगाते हैं अपनी गाड़ी को साइड में, कोई पीछे से हमारी गाड़ी ठोक ना जाए इसलिए अंदर ही लगा देते हैं। ये ट्रेवर पता नहीं कहाँ रह गया, इसको बोला था कि 9 बजे अपने ऑफिस के बाहर मिलना, पर चलो कोई नहीं, कॉल करके ट्रेवर को बाहर बुला लेते हैं। तब तक हम बाहर खड़े होकर थोड़ी विटामिन डी ले लेते हैं। लो ट्रेवर आ भी गया, चलो तो चलते हैं फिर गाड़ी। तो चल लो ट्रेवर आप। लो ट्रेवर आ भी गया, चलो तो चलते हैं फिर जल्दी ट्रेवर को लेकर उसकी एयरफील्ड पर, जहां पर उसके सारे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स खड़े होते हैं। ट्रेवर बता रहा है कि आज का एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक होने वाला है और आज तक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किसी ने नहीं किया। माइकल की इस एक्सपेरिमेंट को लेकर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। जल्दी से चल के देखते हैं ट्रेवर ने क्या इंतज़ाम करा है। तो ट्रेवर ने हमें अभी बताया कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ सकती है, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ की लोकल पुलिस से परमिशन नहीं ली है। अब इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो पुलिस को भी देख लेंगे। हम अभी सैंडी शोर्स वाले हाईवे पर हैं,
जो सीधा ट्रेवर की एयरफील्ड पर हमें पहुंचा देगा। और ये हाईवे काफ़ी बढ़िया बना हुआ है तो हम इससे बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। ड्राइवर बता रहा है एक बार वो अपनी लैम्बोर्गिनी को इस हाईवे पर 300 की स्पीड पर भगा के लाया था। लगता है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। एक बार ड्राइवर से पूछ लेते हैं कि हमें कहां से मुड़ना है क्योंकि हमें यहां आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। यहां पर बोर्ड भी आ गया है कम्प्लीटली पैट्रियोटिक बियर का, इसका मतलब अब ड्राइवर का एयरफील्ड ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, देखते हैं ड्राइवर ने क्या इंतज़ाम करा है। तो जल्दी छिड़कते हैं इन पर मिट्टी का तेल और ट्रेवल ने एक काम करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दी है। तो करते हैं जल्दी अपने एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट। Everyone wants to rub up on tea. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गाड़ियों के ऊपर भी अच्छे से मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं जिससे कि गाड़ियों में आग सही से लग पाए।
What is this bullshit? हाँ तो अब सारी तैयारी हो चुकी है डन। अब मारते हैं मिट्टी के तेल में गोली और जला देते हैं इन सारी फॉर्चूनर्स को। This is a power thing, buddy. Report a vehicle explosion at Sandy Shores airstrip. पुलिस को पता लग चुका है हम यहाँ पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पुलिस यहाँ कभी भी पहुँच जाएगी। तो पुलिस यहाँ आ चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। 50 फॉर्चुनर्स के लिए 50 लाइक तो कम से कम बनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं इन पुलिस वाले को देखता हूँ।